देश में क्या हो रहा है, छापे पड़ रहे हैं ईडी के, तो टीडी दल आता नहीं आता पाकिस्तान से, टीडी दल वो टीडी दल की तरह आजकल ईडी दल आ रहा है हिंदुस्तान भर के अंदर। आप मतलब मजाक बना रखी है, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें लिखा कि इस ईडी का सीबीआई का इनकम टैक्स का जो मारक क्षमता थी, होती नहीं होती है जो मारक क्षमता होती है, मिसाइल की होती है, बम्बार्डमेंट की होती है, मारक क्षमता कम हो जाती है तो वार का असर नहीं पड़ता है, तो ईडी की मारक क्षमता ही कम हो गई है और उचित नहीं है। मैं दूसरी बात कहता हूं, हम चाहते हैं ईडी इनकम टैक्स सीबीआई की जो एजेंसी है ये मजबूत बने, जिससे कि आर्थिक भगोड़े जो है, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी लंदन बैठे हुए हैं, 9 साल भगे हुए हैं, अब कोई नए नीरव माल्या मोदी कोई पैदा ही नहीं हुए क्या, आर्थिक अपराध कोई नहीं कर रहा है क्या, पर उनकी मिली भगत है बीजेपी से, पैसा लेते हैं, बॉन्ड लेते हैं, चंदा लेते हैं, रोक लगा रखी है बाकी पार्टी, चंदा को नहीं देगा उनको। इसलिए तमाम ध्यान जो है आर्थिक अपराधियों के लिए बनी एजेंसी है, यह है उसकी बजाय ध्यान जा रहा है पूरा पॉलिटिशियन के लोगों को डिस्टर्ब करना, सरकारें घिराओ, खरीद फरोख करो, लोकतंत्र में चुनावी चुनी सरकार को गिराना, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक में, गोवा में, मणिपुर में क्या किया इन्होंने, ये तो आप सबका आशीर्वाद था कि राजस्थान सरकार बच गई, मैं आपके सामने मुख्यमंत्री में खड़ा हूं, ये प्रदेशवासियों का आशीर्वाद था हमारे साथ में, पूरे प्रदेशवासियों ने कहा टेलीमा करके एमएलए को क्या 6 महीने रुकना पड़े, रुको होटल में, किसी कीमत पर सरकार गिरनी नहीं चाहिए। पर ये कुछ ये तो होर्स ट्रेडिंग हो रही है, उचित है ये, फिर लोकतंत्र कहां रहेगा।